तो क्या क्या है इनके पास में अवेलेबल कम्बोडिया में? मुझे लगता नहीं है वेज ऑप्शन बिल्कुल ज़्यादा अवेलेबल होगा, बट फिर भी देखते हैं अवेलेबल हो सकता है। चीज स्टिक्स हम एक लार्ज फ्रेंच फ्राइज ही ले लेंगे यार मुझे, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन में कुछ मिलता नहीं है ऐसा कि जो वेज हो। लार्ज फ्राइज लेते हैं। कैश मेरे उस दूसरे बैग में रखा हुआ है, वो लेके आते हैं, वो देना पड़ेगा आंटी को। $2 इस वाले बैग में डोंग है, मैं भूल गया था, इस बैग में रख दिए मैंने डॉलर्स अपने, दिया कि मैंने डॉलर्स दे देता हूँ। तो इसके बाद नॉस को सेट करके फिर आगे की बात करेंगे, यहाँ के एम्बियंस, यहाँ के एक्सपीरियंस की कैसा लग रहा है, फील कैसा लग रहा है। इनसाइड स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, एंड स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन देयर। बाकी हमारे हॉस्टल में एक अच्छी बात है, जैसे मान लो कभी मैं भूल जाता हूँ ना, नीचे कर देता हूँ माइक को, वो स्टिल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। $2 11 नंबर ओके। डू यू हैव टू गो ऑन माय टेबल फॉर दैट? ओके। तो इन्होंने मुझे दे दिया है टोकन जो मैंने ऑर्डर किया था उसके लिए। टोकन में इन्होंने मुझे दिया है एक स्टील का समथिंग, क्या चीज़ मिली ये है, इसका पर्पज़ है आपका ऑर्डर नंबर 11। और बर्गर किंग कंबोडिया में सर्विंग सिस्टम है, सर्व यू ऑन टेबल। लेमन आइस टी के साथ बैठा हूँ और ट्राई करके देखूँगा प्राइस में, खैर ट्राई करने जैसे कुछ होता नहीं है। भैया आलू के फ्राइज ना पाते उनमें क्या डिफरेंस क्या होगा, फिर मेरे को कम क्या है, बट वैसे तो नॉर्मल है बाकी चीज़ों में सब कुछ, बट स्पेसिफिकली थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो है यहाँ का एक एम्बियंस, एक लोकेशन रामपुर, जनरली हमारे इंडिया में रामपुर तो नहीं मिलता, बड़े आपको माउल में होगा टॉप लॉट होगा। इवन ग्रेटर नोएडा में एक जगह रामपुर का है जगत पार्क में, वो भी ज़्यादा रामपुर का नहीं है, मुस्लिम सिटी चढ़ने पड़ते हैं आपको। तो ये अच्छी चीज़ है। और दूसरी अच्छी चीज़ है कि ये आपके टेबल पर सर्व करते हैं, जो आपको थोड़ा सा एक डाइन इन वाली फील देता है, आप वहाँ काउंटर से लेके आए, आके बैठ के खाएं करें, उससे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, अपना खाना तो आदमी चला सकता है, बट स्टिल बुरा नहीं है, अच्छा है। और मैं आपको अपने नियर बाय कैसा क्राउड है क्या है सब कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से बाहर का सीन कुछ दिख रहा है, ये बाहर एक फ्यूल पम्प है, सोकी मैक्स करके फ्यूल पम्प है, इस फ्यूल पम्प के जस्ट बाहर ही हम मतलब साइड में ही इसके बाहर है मतलब पम्प बेसिकली। और कुछ यूरोपियंस भी बैठे हुए हैं यहाँ, लोकल्स भी मिल जाते हैं, प्लस फूड ऐप डिलीवरी वाले जो हैं वो भी आपको सामने देखने को मिल जाएंगे, वो सामने बैठा हुआ है। ग्रीन वन इज़ फ्रॉम ग्रैब एंड पिंक वन इज़ फॉर समथिंग फूड, आगे कुछ करके ऐप है एक लोकल यहीं का, वहाँ से ग्रीन वाले जो वो ग्रैब में। तो और इन करके देखा जाए तो बर्गिंग का एक्सपीरियंस अच्छा है। एंड इसके बाद टाइम हो गया 1:40, अराउंड 20 मिनट्स में हम जाएंगे अपने होटल वापस, अपने लगेज उठाने के बाद हम जाएंगे सिमडी एयरपोर्ट, वहाँ पर सर्कल के स्टोर है,
बाकी सर्कल की स्टोर अगर नहीं मिला तो मैंने ये ले ली ड्रिंक, ये भी ऑब्वियसली अच्छी है, मुझे लग नहीं रही सर्कल की कुछ खास जरूरत, रिफ्रेशिंग है ये। मॉन्स्टर जो है वो एनर्जी देने वाली बात होती है उसमें, पर रिफ्रेशिंग ज़्यादा ही है। यहाँ का कुछ क्राउड, मेरा ऑर्डर आने में थोड़ा समय भी टाइम लग रहा है अभी। देखते कितनी देर में हमारा ऑर्डर आता है।